अब एक सनसनीखेज खबर है दोस्तों, और सनसनीखेज खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में गिर गई है। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लिया है, और इसके बारे में डिटेल्स जो हैं मैं आपको बताना ज़्यादा पसंद करूँगा। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी का जो अलायंस हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ सन 2012 से था, और उसके बाद वो कांग्रेस के साथ 2007-2012 तक रही थी गोमांतक पार्टी, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा लॉन्ग रिलेशनशिप रहा, और आज इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। और समर्थन को वापस लेने के बाद इसके बारे में कोई मीडिया खबर नहीं दिखा रहा। मीडिया बहस चला रहा है कि साहब अली और बजरंग बली, आजम खान ने क्या बोला, योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला, बस यही खबरें चल रही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और गोवा असेंबली में 36 मेंबर्स हैं जो टोटल रखते हैं, जो कोलेशन के हैं, लेकिन बीजेपी के 14 एमएलए हैं उसमें, लेकिन गोमांतक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। अब देखना है कि कांग्रेस इसमें भी अपना कुछ गणित ढूंढ सकती है कि नहीं, ये देखते हैं। तो इसी के साथ सनसनीखेज खबर के साथ खुलासा है, तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।